दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आखिरकार सुपर पावर कैसे बन गया था? क्योंकि जहां बात करें 17वीं से 18वीं सदी के बीच, तो उस समय दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर थी, वो थी इंडिया और चाइना। पर आखिरकार अमेरिका इसके अंदर कैसे शामिल हुआ? अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था सन 1900 से लेकर 1950 के बीच में, क्योंकि याद कीजिए कि उन 50 सालों के अंदर क्या हुआ था। उन 50 सालों में थी दुनिया में दो सबसे बड़ी लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ये लड़ाई अमेरिका की जमीन पर नहीं हुई थी, बल्कि ये लड़ाई हुई थी यूरोप के अंदर, पर अमेरिका भी इसके अंदर शामिल था। और जहां इन लड़ाइयों के अंदर दुनिया के सभी बड़े देश लड़ रहे थे, वहीं पर अमेरिका एक ऐसा देश था जो लड़ने के बजाय इन सभी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा था। और जहां यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश वर्ल्ड वॉर के दौरान घाटे में चल रहे थे, वहीं पर अमेरिका एक ऐसा देश था जो अकेला फायदे के अंदर चल रहा था। हालांकि बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान शहीद जरूर हुए थे, पर ओवरऑल अमेरिका फायदे में ही था। ऐसी बात नहीं थी कि अमेरिका ने इन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान फायदा उठाया था, बस वो चांस की बात थी जो कि अमेरिका ने दोनों हाथ फैला कर लिए थे।